हमारी बीवी देख रही है। आज तो तुम गए। तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी इधर ही आ रही है। अब तो तू गया। भाई रात के 2 बजे पिक्चर तो देखने जाएंगे नहीं, हाथ में डंडा लेके घूम रहे हैं ना, अभी ना आई है। हाँ भाई देख लो ना, गांव जाना है, टाइम छुट्टी दे तब ना। हे रखते हैं आगे, हम रखते हैं। हाँ अपने कौन चीज चुहिया गिरगिट कहीं की, इतना पीके टाइट है कि दरवाजा भी बंद करने का होश नहीं है, सब कुछ हमने महत्व नहीं किया। मेरी फ्रेंड है और उसके साथ ऐसे डांस करूं, उसे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा वो फ्रेंड के साथ ऐसे डांस करता है? आई थिंक मैं करता हूं, क्या हो गया, इसमें क्या गलत है? मैं कुछ गलत कर रहा था उसके साथ? मैं अब और डील नहीं कर सकती ये सब। क्या प्रॉब्लम है? तो तुम घर छोड़कर चली जाओ। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ। तो ठीक है मैं जा रहा हूं। ओके बाय। ये कभी ड्यूटी पे रहता ही नहीं है, कभी भी दिखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है क्या भाई। जब भी देखता हूँ तू ड्यूटी पे रहता ही नहीं है, इसीलिए मैडम तुझे सही झाड़ती है। ओ भाई ड्यूटी के अलावा ना बहुत सारा काम है समझे, जाके चुपचाप अखबार दो, ज्ञान मत बांटो सुबह सुबह, जाओ ज्ञान बांटने आ जाओ। चिल्ला रहे भाई, पेपर दे दिए ना, जाओ ना। मैडम ने मुझे बुलाया था, कुछ काम है उनको। काम है मैडम जी? जी हाँ मैडम, पेपर वाला आया है मैडम जी। जी हाँ मैडम, पेपर वाला आया है मैडम जी। तुम यही खड़े रहो, हम पीछे से आवाज देते हैं उनको, ठीक है? यही रहना, जाना मत कहीं। हाँ हाँ मैडम जी। जी हाँ मैडम, अरे आप सुन रहे हैं? दरवाजा कहीं ना खुल रही है। अरे मैडम जी, पेपर वाला को बुलाई थी, वो आया हुआ है मैडम जी। क्या हो गया रघु? पता नहीं बहुत देर से मैडम जी दरवाजा ही नहीं खोल रही है। ऐसे कैसे, रुक आ रहा हूं। हाँ ठीक है मैडम जी। जिया जिया जिया,
लगता है रात की उतरी नहीं है इसकी। इतनी भी नहीं पी थी कि उतरेगी नहीं। ओपे तो जिया दरवाजा तोड़ दो। नहीं नहीं हम दरवाजा नहीं तोड़ने देंगे, पुलिस को बुलाओ पहले। पुलिस? सर इसे ये कमरा है। फोन किसने किया? सर मैंने किया था। क्या हुआ? तो क्या है कि तब से हम दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो दरवाजा खोल नहीं रही अंदर से। एक्चुअली हम लोग कल रात पार्टी करने गए थे, साथ में वापस आए और दरवाजा अभी खोल नहीं रही। दरवाजा खोलिए जिया। दरवाजा खोलिए। ओपन द डोर जिया। सुन जी सर। दरवाजा तोड़ दो। जिया ये उनका ही बेडरूम का है। वहां जगह देखिए जरा। जिया ये तो मर चुकी है। जिया इज डेड। हासी खुशी बैर प्रीति मदपान रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। सबको एहसास है कि ये सात चीजें छिपाए नहीं छिपती है तो असर सामने आ ही जाएगा। शराब का नशा और ऊपर से एक बेलौस बेकाबू जिंदगी क्या जिया की मौत का कारण बनी? कहना मुश्किल है, पर प्यार और बैर का एंगल भी जिया की मौत से जुड़ रहा था। रिकी का झुकाव जिया की तरफ दिखा और कैथरीन का गुस्सा भी। इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि किन परिस्थितियों में जिया की मौत हुई? क्या ये मौत शराब का ओवरडोज था या किसी साजिश का? रात को जब मैम आई तो उनका झगड़ा कैथरीन मैम और रिकी सर के साथ हो रहा था। ये झगड़ा अक्सर होता था साहब, क्योंकि कैथरीन मैडम को रिकी सर का जिया मैम के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। रिकी देखो। हाँ सर। पापा की जल्दी जी। एक बात बता। हाँ जिया का है ये तो पुल साइड पे है। पुल साइड में? अच्छा सुन, कैथरीन जैसे भी आएगी ना बस सिटी मार के मेरे को इत्तला कर देगी, ठीक है? और जरूर से बजा देना। सबके वॉचमैन का ठेका लेके रखे हैं। बस 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 हो गया हो गया। वी आर डन वी आर डन सी। वाओ थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें पैसे बाद में दूं तो चलेगा?
I will drop by. Yeah, don't worry. Okay, no problem. Okay, bye bye. Yeah. Okay, bye. Thank you. What's up? What's up? Oh. Wow. Hi. Hi. So tattoo बनवा लिया तुमने? अच्छा ये बताओ मेरा न्यू टैटू कैसा लगा? वाओ टैटू तो बहुत ही अच्छी है। बस एक बात बताओ ये टैटू तुमने बॉडी में तो परवाह कैसे लेती है? तुम्हारी स्किन खराब नहीं हो जाती? You know what? और निखर जाती है। See? वैसे you look very beautiful. और ये सिर्फ देखने की चीज है, छूने की नहीं, समझे? रिकी, रिकी, ये साला सिटी कहाँ गया? रिकी, सिटी क्यों मार रहा है तू? नहीं मैं सिटी का दांत। रिकी कहाँ है? मैडम हम सुबह से नहीं देखे उनको। अच्छा चुपचाप बता रिकी कहाँ है वरना। मैडम अच्छा वो छोड़ो, आज मैं गोवा में धूम मचाने वाली हूँ। आज मेरी ज्वेलरी का इवेंट है और तुम्हें मेरी मदद करने के लिए रात को आना होगा। एंड यू आर इनवाइट। ओके तुम इतनी हॉट हो तो तुम्हारी ज्वेलरी कलेक्शन कितनी हॉट होगी। हर बार मैं तुम्हारी पूरी ज्वेलरी कलेक्शन खरीदूंगा अपनी बीवी के लिए। रिकी हाय व्हाट्स हैपनिंग? टैटू जस्ट कम विद मी आई विल टेल यू व्हाट शार्प कैथरीन, मैं सिर्फ ओपिनियन ले रही थी और तुम हो कि बाहर और भी लड़के हैं, उन्हें जाके पकड़। बाय रिकी। इसको दिखा रहा कपड़े उतार कर और ओपिनियन ले इससे। चलो अच्छा वो छोड़ो, इनका तो रोज का काम है। तुम ये बताओ मेरा ये न्यू टैटू कैसा लगा? बताओ ना। बहुत मैडम कोई हॉर्न बजा रहा है। आई एग्री इंस्पेक्टर, आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। वो चीज ही ऐसी थी पर आई नेवर यूज्ड टू गो टू हर, शी यूज्ड टू। यस इंस्पेक्टर, ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। यस अब आई एम टेलिंग यू आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे पता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, रात में कैसे मरी। आई वॉज एट होम गॉड डैम इट। जिया का मर्डर हुआ है, किसी ने उसकी सांस घूंट कर उसकी जान ले ली। आप मुझ पे इस बात के लिए शक कर रहे हैं? When I've already accepted कि हाँ भाई मैं attracted था उसकी तरफ, फिर भी क्योंकि मर्डर से पहले जिया ने शारीरिक संबंध बनाए थे। What? Yes, she had sex, और वो भी जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से। पहले उसने और शराब पी और उसके बाद। किसने किया ये सब? वही उसी ने जिसने शराब पिलाई। अपने हाथों से उसके लिए पैक बनाकर उसे पिलाया और फिर मोहब्बत हुई।
और उसके बाद कट। रिकी, तुम अपनी बीवी को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? So we can be together हमेशा के लिए। प्लीज रिकी, रिकी कुछ बोलो, चुप क्यों हो, बोलो। एक बार कान खोल के सुन लो मेरी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना रिकी, तो मैं तुम्हारी बीवी को अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी, समझे तुम? दोनों तरीके से साफ है, चाहे आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे या वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही केसेस में शारीरिक संबंध बनना स्वाभाविक है, मोहब्बत। अब मुझे ये जानना है कि जिया का कत्ल क्यों हुआ। आप मुझे शक कर रहे हैं? मैं क्यों करूंगा उसका कत्ल? रोज रोज की झंझट से छुटकारा पाने के लिए। जिया की वजह से आप और आपकी वाइफ के बीच में तकरार रहा करती थी। No doubt, she was a fun-loving girl, friendly with guys. पर मुझे नहीं लगता that she could have slept with someone. And she was a divorcee. पर उसके पति का घर पे आना जाना था, लेकिन उनके कुछ संबंध ठीक नहीं थे। कैसे चल रहा है तुम्हारा ज्वेलरी बिजनेस? तुम्हें इससे क्या मतलब? जो काम करने आए थे वो कर लिया ना? तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। तुम मुझे कितना गलत समझती हो ना? मैं हर बार अपनी लाइफ एक नया चांस देने की कोशिश करता हूं और तुम मुझसे टेढ़ी पेश आती हो। इससे पहले भी तुम यही कर चुकी हो। देखो अतुल, हम अब इस रिलेशन को दूसरा मौका नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अतुल। तुम्हें क्या लगता है हर लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ खेलने का खिलौना है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस रिलेशन को इतने चांस क्यों दिए? इसलिए कि शायद एक दिन तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे अतुल। लेकिन तुम, मैं तुम्हें समझता हूँ बेबी, बहुत अच्छे से समझता हूँ। क्या समझते हो तुम मुझे? तुम्हारी कोई खेलने की चीज हूँ मैं? थोड़ी मीना, मेरी बीवी हो, बीवी। छोड़ो अतुल, स्टॉप इट। बीवी हूँ नहीं, बीवी थी, समझे तुम? How dare you? कैसे हाथ लगाया तुमने मुझे? अभी क्या, अभी निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो, और निकलो यहाँ से। Enough। फिर क्यों आने देते हो तुम मुझे अपने पास? हाँ? क्योंकि तुम हमेशा मुझसे ब्लैकमेल करते हो। Now you're my ex-husband, समझे? हुआ अतुल, मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही। We can be friends, है ना? लेकिन तुम हमेशा मुझे इस्तेमाल करने की चीज समझते हो और मुझे यूं ही अकेला छोड़ के चले जाते हो। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अतुल। Enough! Either we going to stay together, नहीं तो मैं तुम्हारी इस्तेमाल होने की चीज बन के नहीं रहना चाहती हूँ, समझे? और निकलो यहाँ से, निकलो। Get out! Stop crying, Jia. किसी इंसान से रिलेशनशिप बनाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। वही सोचकर मैं हर बार से रिलेशनशिप शुरू कर देती हूँ। But you know what? You know what? तू आज भी उससे प्यार करती है, लेकिन वो मेरी दौलत और मेरे जिस्म से। देखना कैथरीन, जिस दिन मेरे पास ये सब कुछ नहीं होगा ना, उस दिन कुत्ते की तरह मुझे सड़क पे छोड़ के चला जाएगा वो। तो भूल जाना उसे, डिवोर्स हो गया है, काम खत्म। क्यों उसके पीछे भागती रहती है? इतना आसान नहीं है कैथरीन।
मेरी वीकनेस ये है कि मुझे एक कंपेनियन चाहिए, और उसे मल्टीपर्पज वुमेन। तो क्यों जाती हो उसके पास बार बार? एक बार जब हो गया डिवोर्स तो मूव ऑन इन लाइफ, और भी तो कंपेनियन मिलेंगे लाइफ में। पर तुम्हारे जैसा नहीं मिलेगा ना रिकी। सॉरी मिस्टर अतुल, वो मुझे सर ने बुला लिया था, बट यू मे कंटिन्यू प्लीज। इस बात को 6-7 महीने हो गए इंस्पेक्टर, उसके बाद मुझसे मिला नहीं। और तलाक को? तकरीबन 2 साल। फिर भी आप और जिया के बीच में मोहब्बत कायम थी। यूं समझ लीजिए कि बेशक मैं उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन फिजिकल नीड जिया की है आपकी। ये लीजिए पानी पीजिए, करिए मत, मिनरल वाटर है, पीजिए। Agreed. मेरी नीड्स। सही बात तो यह है कि मैं उससे रिलेशन बनाना चाहता था, लेकिन उसे मुझसे सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहिए। जब उसका मूड होता तो मुझसे रोमांटिक बातें करती, और नहीं होता तो मुझे धुतकारती। और इसीलिए आपने उस रात उस बात का फायदा उठा लिया। What do you mean? देखिए, आप ही ने यह कहा कि आप जिया को चाहते थे और जिया के साथ रहना चाहते थे, लेकिन जिया आपके साथ नहीं रहना चाहती थी। आप ही ने कहा है, राइट? तो फिर मुझे यह बताइए कि फिर आप जबरदस्ती जिया के साथ क्यों रहना चाहते थे जब आप उसे तलाक ले चुके थे? मैंने कहा वो चाहती थी। वो क्या चाहती थी या नहीं चाहती थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे ये बताइए कि तलाक लेने के बाद भी आप उसके साथ क्यों रहना चाहते थे? और वैसे भी आप हैंडसम हैं, जवान हैं, जिया से भी खूबसूरत लड़कियां मिल सकती हैं आपको, तो फिर जिया ही क्यों? और बैंगलोर से फ्लाई करके उससे मिलने के लिए आना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब कि आप क्या चाहते हैं। मैं तो एक पुलिस वाला हूं, यह शक कर सकता हूं कि खून आप ही ने किया है। What? Yes, क्योंकि आप ही थे जो उस घर में कभी भी जा सकते थे, और जिया से मोहब्बत करने का हक भी आप ही रखते थे। अतुल, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं ना सोने जा रही हूँ, ठीक है? आराम से बेबी। बेबी, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? इसलिए आते हो ना तुम यहाँ पे? अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोटी कौड़ी नहीं है, समझे तुम? निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो। I said get out! मुझे पैसे चाहिए। ये सब बकवास है। मैंने आपसे कहा कि मैं 6 महीने तक गोवा नहीं आया हूं, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर। इट्स ओके, रिलैक्स। फिर भी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर आप आपकी वाइफ से, मेरा मतलब एक्स वाइफ से, इतना ही प्यार करते हैं तो आपको उसके मरने का अफसोस क्यों नहीं हुआ? ठीक है, आप अभी जा सकते हैं, लेकिन शहर छोड़ के मत जाइएगा। थैंक यू। इसे फोरेंसिक में फिंगरप्रिंट्स के लिए दे दो। जी सर।
सर, क्या लगता है आपको इस मर्डर केस में खूनी कौन हो सकता है? एक बात तो साफ है कि कातिल जिया के करीब था, कभी भी उसके घर में आ जा सकता था, वो भी फ्रीली, कभी भी, किसी भी वक्त। इतना करीबी कि जिया के उसके साथ मोहब्बत वाले रिलेशंस भी थे। सर, वो भी बिना प्रोटेस्ट के? हाँ, जैसे कि अतुल, जो कभी भी उसके घर में आ जा सकता था। सर, रिकी भी तो हो सकता है। रिकी भी हो सकता है। सर, रघु वॉचमैन का क्या लगता है? रघु को भी इन्वेस्टिगेशन के रडार से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ऐसा लगता नहीं है कि उसके जिया के साथ फिजिकल रिलेशन होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है वो प्रेमी कातिल? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिलेशन किसी और के साथ बनाया हो और मर्डर किसी और ने कर दिया हो? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। जिया के घर से जो हमें शराब की ग्लास मिली थी, उसमें ना ही अतुल के फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही रिकी के। फिर उस रात जिया के घर पे था कौन? सिंह, काम करो। जी सर। जिया के घर के आसपास 2 किलोमीटर में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं, उनकी फुटेज निकालो। कहीं ना कहीं कातिल का सुराग जरूर मिलेगा। ओके सर। इस केस के 2 प्राइम सस्पेक्ट शक के घेरे से बाहर निकल गए। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन तेज हुआ, जिया की निजी जिंदगी और उससे जुड़े हालात सामने आते गए। अतुल और रिकी के पास हत्या का मोटिव तो था, पर मौकाए वारदात पर उनके होने का कोई सबूत नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह का लाइफस्टाइल जिया जी रही थी, उसी के इर्द गिर्द रहने वाले किसी शख्स ने उसे सॉफ्ट टारगेट बनाया? वो अपराधी कौन था जो जिया के साथ रात को सोया, उसे शराब पिलाई और फिर उसे मार के चला गया? क्या कर रही हो? रिकी, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब से जिया का मर्डर हुआ है, I've become restless. रोज़-रोज़ पुलिस आती है, कभी भी घर की तलाशी ले लेती है, उल्टे सीधे सवाल पूछती है। I can't deal with it. चलो ना, यहाँ से निकल चलते हैं। Please. Come on, Catherine. Jia was a friend. अरे, एक पल के लिए तो पुलिस ने मुझ पर भी शक कर लिया था। तो थैंक गॉड कि जिया के कमरे में जो वाइन के ग्लास मिले हैं, वो मेरी उंगली से मैच नहीं करते हैं। किसके हैं? वही तो पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। निकल जाएंगे हम यहाँ से, दोस्ती के नाते नहीं, एटलीस्ट इंसानियत के नाते हमें पुलिस की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो जिया के कातिल को पकड़ सके। ओके, चलो अभी यहाँ से, चलो। सर, हमने आसपास के सभी एटीएम चेक किए तो पता चला कि इस शख्स ने एटीएम से पैसे विड्रॉल किए। ये तो वॉचमैन रघु है। जी सर। लेकिन ये रघु इतनी रात को अपने एटीएम से पैसे क्यों विड्रॉ कर रहा है? सर, हमने रघु का अकाउंट चेक किया, लेकिन रघु के अकाउंट से कोई भी पैसे विड्रॉल नहीं हुए। हाँ, लेकिन जिया के अकाउंट से जरूर पैसे विड्रॉल हुए, वो भी उसी एटीएम से उसी वक्त। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त विड्रॉल हुए, उस वक्त जिया मर चुकी थी और ये पैसे रघु ने ही विड्रॉल किए हैं। सर, रघु ही कातिल है। चलो। रघु? हाँ सर। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं साहब। तुझे पता है ना अभी केस चल रहा है, इंस्पेक्टर ने मना किया किसी को कहीं नहीं जाने के लिए। देखो रघु, तुम ऐसे नहीं जा सकते। हमको जाना जरूरी है मैडम, हमको जाना ही पड़ेगा वहाँ। रघु, रघु, रघु। हाँ बाबूजी, प्रणाम। वापस आ रहे हैं हम। अरे क्या बताएं, वो कांड हो गया साला यहाँ। ना, हमने कुछ किए हैं। अरे माए कसम खा रहे हैं, लेकिन लगता है कि बेमतलब में फंस जाएंगे। इधर गांव जा रहे हैं साहब। पकड़ो पकड़ो इसको। साहब गांव जा रहे हैं, बाबू जी बीमार है साहब, सही बता रहे साहब। बाबू जी हमारे बीमार है साहब, सही बता रहे साहब। हम कत्ल नहीं किए, सही बता रहे। हम झूठ काहे के लिए बोलेंगे साहब? अगर तूने मैडम का कत्ल नहीं किया तो उस दिन मैडम के घर पे और कौन था? तू ही मैडम का एटीएम कार्ड चुरा कर एटीएम से पैसे निकालने गया था ना।
क्या था कि नहीं? सब निकाले तो थे, क्योंकि एक तू ही था जो उस घर में आराम से आ जा सकता था। अब बुलाई थी, कोई काम है? जाओ गिलास लेके आओ, गिलास लेके आओ। बैग बना और खुद के लिए भी बना। मैडम हम नहीं पीते हैं। मैंने कहा अपने लिए भी बनाओ। ये मैडम हम कभी पिए नहीं है। हम कह रहे हैं ना पियो। एक और बनाओ। आपको काम के लिए बुलाई थी। मैडम और उसके बाद तू एटीएम से जाकर पैसे निकालने के लिए गया। झूठ काहे के लिए बोले, हमने किया क्या था सा? देख मैं जानता हूं कि कतू तूने किया है। वो मैडम तुझे थप्पड़ मारा करती, तेरे अंदर गुस्सा भर गया था और तूने ये सोचा कि मैडम को सबक सिखा के रहेगा। साहब इतना सा बात के लिए कोई काहे के लिए मार देगा साहब? हम नहीं मारे, हम सही बता रहे। सिंह फुटेज दिखाओ। सही बता रहे। ये देख कत्ल की रात को मैडम का एटीएम कार्ड चुरा कर एटीएम से पैसे निकालने तू ही गया था ना? देख तू ही है नहीं? तू ही है कि नहीं? निकाले तो थे साहब, लेकिन सही बता रहे हैं आप लोग। जो कुछ भी बोल रहे हैं ऐसा हम कुछ भी नहीं किए थे मैडम जी के साथ। साहब हमारा छोड़िए, वो क्यों करेगी हम लोगों के साथ ऐसा? साहब हम मामूली सा एक वॉचमैन है, सही बता रहे हैं, हम उनके घर में नहीं गए थे साहब। हम हेलो जिया के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो रघु के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। देख अगर तू मुझे ये सच सच बता देगा कि वो एटीएम कार्ड तेरे पास कहां से आया और कैसे आया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना इस सीसीटीवी फुटेज से तो मैं ये साबित कर ही सकता हूं कि कत्ल तूने किया है। बता एटीएम कार्ड कहां से मिला तुझे? कहां से मिला? बोल। अगर ना मैडम आ तो गए लेकिन बहुत नशा में है। तू देर रुक, मैं अपने पैसे वसूल करके आता हूँ। और जल्दी आइएगा साहब। सैम, इट्स ऑलमोस्ट डन। सी लुकिंग ब्यूटीफुल, सी लुकिंग ब्यूटीफुल। Hey, what is this? Hey,
कितनी बार कहा है तुमसे, यू आर सो ब्यूटीफुल। एक बार काम हो गया। हमारे नाम नाम सुन, आज 20,000 निकल जाएंगे, 8 तू रखना और 12 मुझे देना। और एटीएम सुन, पिन 1294। अब बीच में अगर मैडम जागे तो हम क्या करेंगे? वो नहीं जागेगी, वो तो गहरी नींद में सो गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता सर, मैं तो बस लेके जाओ। जी सर। नियत को परखना मुश्किल है, पर खतरे की आहट सुनी जा सकती है। जिया ने रघु और टोनी पर भरोसा किया, पर उस भरोसे की सीमा नहीं तय कर पाई। पर्सनल लाइफ और उसके बाहर की जिंदगी सिर्फ घर के दरवाजे से अलग नहीं होती। इस दरवाजे के भीतर हम किसे किन शर्तों पर आने देते हैं, ये तय करना भी बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि जिया की मौत उसकी लापरवाही से हुई, पर उसकी जिंदगी को करीब से देखकर ये कह सकते हैं कि वो दिल की बुरी लड़की नहीं थी। जिस दौर से वो गुजर रही थी उसमें अकेलापन कोई नई बात नहीं। हाँ, जिस तरीके की जिंदगी उसने अपने लिए चुनी थी शायद उस पर सवाल खड़ा हो जाए, पर सवाल तो फिर ये भी खड़ा होता है कि क्यों एक अकेली महिला सबकी सॉफ्ट टारगेट बन जाती है। अपने मतलब की जिंदगी तो जिया का पति अतुल भी बेखौफ से जी रहा था। यह स्पेस तो सभी का होना चाहिए। पुलिस के लिए इस केस के मास्टरमाइंड को दबोचना इतना आसान नहीं था, पर उनकी इन्वेस्टिगेशन और मुश्तैदी की वजह से वो अपने अंजाम तक पहुंचा। डर कर नहीं, डट कर, सावधान इंडिया।